कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंदसौर में धरना देने पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान नौटंकी और प्रदेशवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मंदसौर में जो बाढ़ आई है उसको लेकर सरकार जितना अच्छा प्रबंधन कर सकती थी उतना किया गया है और उसी व्यवस्था के कारण कई लोगों की जान बच गई और अभी सर्वे हो रहा है, लोगों को राहत देने का काम चल रहा है। वहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को असंवेदनशील बताया, साथ ही शिवराज सिंह चौहान के केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ मिलने वाले बयान पर भी पलटवार किया। सिंह चौहान नौटंकी करने का काम और नटवर लाल के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज मंदसौर के अंदर एक भयानक आपदा आई और जितना बेहतर प्रबंधन ये सरकार कर सकती थी, कर्मचारी कर सकते थे, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कर सकती थी, उसी व्यवस्था के कारण वहां कई मौत, कई जाने बच गई और आज वहां पे सर्वे कंप्लीट होने आ गए, वहां पे काम चल रहा है, लोगों को राहत के काम चल रहे हैं, जनता को राहत देने के लिए सरकार और सभी लोग लगे हुए हैं और ये असंवेदनशील पूर्व मुख्यमंत्री जिसने पहले भी जनता की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया आज धरने उपवास की नौटंकी करने का काम करता है। क्या शिवराज जी की उस बात का हुआ कि जो पहले दिन जाके कहा था कि 1,000 करोड़ केंद्र ने दे दिया आज तक क्यों नहीं आए, किस क्या पैदल बैलगाड़ी से चल के वार है? स्पष्ट है जनता को दिग्भ्रमित करने का काम बंद करे।